हेलो दोस्तों, नमस्ते। मुन्नी बिहारी फूड में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं एक रेसिपी लेकर आई हूँ दोस्तों, सोची कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आज मैं साबूदाना की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाने जा रहे थे। तो साबूदाना बड़ा मैं जा रही हूँ बनाने, तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। तो चलिए साबूदाना बड़ा बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं साबूदाना ली हूँ 200 ग्राम। तो ये देखिए, मैं एक घंटे पहले भिंगो कर रख दी थी, तो ये अच्छे तरीके से फूल गया है। और यहाँ पे मैं आलू उबाल ली हूँ, ये दो बड़ा बड़ा साइज का आलू था, उसे कट लगा। तो यहाँ पे मैं आलू उबाल ली हूँ, तो आलू को मैं छिलका उतार कर, और देखिए एक भी रेशा गुठली ना रहे, इसीलिए मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, उसके आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, हम आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। तो अब इसमें सामग्री ऐड कर देते हैं, तो साबूदाना को मिला देते हैं। ये देखिए, और यहीं पे मैं डाल देती हूँ ये दो तीन हरी मिर्च, और ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और तीखा लाल मिर्च है, हल्का ही है। और ये कुटा हुआ काली मिर्च है। और यहाँ पे मैं ये 100 ग्राम मूंगफली ली हूँ, जिसे मैं भून कर और पीस ली हूँ दरदरा सा, और अब स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। और धनिया के पत्ते अगर है तो आप लोग डालिएगा दोस्तों, हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, और इसका डो तैयार कर लेती हूँ हाथों से मिलाकर। तो ये देखिए दोस्तों, हम डो लगा लिए हैं सारा चीज़ मिक्स करके। तो अब चलिए चूल्हे को धराते हैं, कढ़ाई में डालते हैं तेल। तो ये देखिए दोस्तों, हम हल्का हाथों में तेल लगा लिए हैं, और इसको गोल शेप देकर, आलू का है ना थोड़ा सा सटता है हाथ में, तो इसीलिए ये इस तरीके से करके, और ये इसका टिक्की जैसा तैयार कर लीजिए शेप में। तो यहाँ पे देखिए हम ये बना ले रहे हैं, और तेल को हम गर्म करने के लिए रख दिए हैं। तो तेल मेरा गरम हो गया है, अब हम डालते हैं इसमें फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल गरम है, तो हम अब डाल देते हैं बड़े को। तो ये देखिए दोस्तों, हम पलट लेते हैं, थोड़ा सा हल्का आलू का है तो चिपक गया है। दोस्तों मेरा साबूदाना का बड़ा देखिए, देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। तो मेरा ये पक गया है बढ़िया से, तो देख सकते हैं आप लोग, तो मैं निकाल लेती हूँ इसे। यहाँ पे मैं चार साबूदाने बड़े बना ली हूँ, और भी तल लेती हूँ, उसके आगे मैं दिखाती हूँ दोस्तों। तो दूसरे घान में तलने के लिए डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा साबूदाना का बड़ा तैयार हो गया है, एकदम से परफेक्ट क्या बोला जाता है। तो मेरे तरीके से आप लोग भी साबूदाना का बड़ा बनाइए, खाइए, और ये चटनी के साथ खाइए। तो ये चटनी टमाटो केचप है, तो मैं बनाई हूँ आज अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो और ये देखिए, हमारी बड़ी बेटी यहाँ पे खा रही हैं। तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा, और भी
अच्छे अच्छे मैं रेसिपी बनाकर डालूंगी। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों हमारा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सके खाना का। तो मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।